झारखंड की राजधानी रांची में ईडी का बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। रांची में कई जगहों पर ईडी की रेड चल रही है और इस रेड में भारी तादाद में कैश के बरामद होने की खबर है। कैश की गिनती जारी है, इतनी भारी तादाद में कैश बरामद हुआ है और अब तक जो गिनती हुई है उसमें 20 करोड़ रुपए गिने जा चुके हैं। ईडी के मुताबिक ये कैश झारखंड के मंत्री आलमगीर के पीएस के नौकर के घर से बरामद किया गया है और अब आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें आने जा रही हैं। ये देखिए आप, जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी कैश लोक की है जिसका पर्दाफाश झारखंड में हुआ है। इतना कैश मिला है जिसकी अभी तक पूरी गिनती नहीं हो पाई। देखिए आप नोटों के बंडल, सभी 500-500 रुपए के नोट हैं जो आप देख रहे हैं और नोटों का ये पहाड़ मिलने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर करोड़ों का ये कैश किसका है? क्या इसका चुनाव से कोई ताल्लुक है, कोई कनेक्शन है? क्या इस सब से झारखंड के मंत्री आलमगीर का कोई लेना देना है या नहीं? इस सब की जांच चल रही है लेकिन अभी तक ईडी के मुताबिक खबर यही है कि ये कैश झारखंड के मंत्री आलमगीर के पीएस के नौकर के घर से बरामद किया गया है। ये देखिए कुछ और तस्वीरें इस रेड के बाद की जो सामने आई हैं। झारखंड में ईडी की छापेमारी चल रही है, जैसा कि हमने आपको बताया, आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर मंत्री के पीएस के नौकर के वहां से कैश मिला है। गिनती चल रही है, नोटों का पहाड़ दिखाई दे रहा है, बैग से गड्डियां निकली हैं। छापे में आप देखिए जो चीजें मिली हैं उनमें जेवर भी हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है। अब सवाल यह है कि कहां से इतना कैश आया? क्या चुनाव से कोई ताल्लुक है? कौन है इन्वॉल्व इसमें? आइए इसी को समझने का प्रयास करते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता वरुण जैन हमारे साथ हैं और रांची से चंदन सिन्हा हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको हम रांची ही लिए चलते हैं जहां पर ईडी की रेड चल रही है। चंदन सिन्हा वहां से हमारे साथ कनेक्ट है। इस रेड के बारे में सबसे ताजा अपडेट चंदन जल्दी से हमारे दर्शकों को दें। राजेंद्र, देखे इस बार भी ईडी ने झारखंड की राजधानी रांची में अपनी डबिज जो है वो कायम की है और इस बार भी ईडी को छापेमारी के दौरान जो नोटों का पहाड़ मिला है वो अपने आप में एक सवाल जरूर उत्पन्न कर रहा है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के जो पीएस हैं संजीव लाल, उनके नौकर के घर से, जिनका नाम जहांगीर बताया जा रहा है, उनके घर से ये जो बड़ा रकम बरामद किया गया है। अभी फिलहाल जो है वो नोटों की गिनती जारी रखी गई है और अभी तक जो है सटीक जो मामला है कितने नोट हैं वो अभी तक हमें पूरी जानकारी नहीं मिली है, मगर अंदाजा जो अभी तक लगाया जा रहा है करीब 25 से 30 करोड़ रुपए के आसपास की रकम बरामद की गई है। फिलहाल जो है ईडी की टीम अभी भी जो छापेमारी की जो प्रक्रिया है वो उसे पूरी कर रही है और कई जगहों पर, करीब 9 जगह हैं जहां पर ईडी की टीम सुबह 5 बजे छापेमारी। ठीक है चंदन, आप कह रहे हैं सुबह 5 बजे से ईडी की टीम पहुंच गई और छापेमारी चल रही है, 9 जगहों का आपने जिक्र किया है। वरुण जैन दिल्ली से हमारे साथ हैं। वरुण, आप सुबह से लगातार हमारे दर्शकों को इस अपडेट के सिलसिले में अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अभी जो चंदन ने बताया इसके अलावा आपके पास क्या सूचनाएं हैं इस छापे से जुड़ी हुई? देखिए बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि ये छापेमारी क्यों करी है, क्योंकि 2023 में एक चीफ इंजीनियर है वीरेंद्र राठौर की ग्रामीण विकास मंत्रालय में ही थे, उनके यहाँ पर ईडी ने छापेमारी की थी। पूछताछ में ये बात उन्होंने कबूल की थी कि जो भी टेंडर अलॉट किए जाते हैं उसे 0.3% से लेकर 1% तक वो कमीशन लेते हैं और ये कमीशन आगे तक जाता है। इस दौरान जब ईडी ने जांच की तो पता चला हजारों करोड़ के जो टेंडर हैं वो अलॉट किए गए हैं। उसी से अंदेशा था कि सैकड़ों करोड़ की जो रिश्वत है वो इन तक पहुंची और उस काले धन को आगे ठिकाने लगाया गया। उसी को लेकर जब 2023 में चीफ इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई थी ईडी अपना होमवर्क कर रही थी, उसके बाद जो क्लूज मिले, क्लू मिलने के बाद अब आज ये छापेमारी की और जो छापेमारी हुई है वो आलमगीर के जो निजी सचिव के जो नौकर हैं उनके घर पर से ये कैश बरामद हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से वीरेंद्र राम ने भी इस बात का खुलासा किया था कि पैसा आगे तक जाता था तो आगे की कड़ियां कहां तक जुड़ सकती है, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर ईडी ने यह बात नहीं कही है कि यह पैसा किसका था, क्या यह मंत्री जी का था या मंत्री जी की जो सिर्फ निजी सचिव है वहीं पर आकर चेन अटक जाती है, इसलिए अभी कुछ कयास लगाना मुश्किल है। लेकिन जो पैसा अगर आगे तक जाता तो आगे कहां तक ये पैसा
गया होगा, किसका पैसा हो सकता है, इसको अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल अभी कैश की गिनती चल रही है, अंदाजा यही है कि 30 करोड़ तक का कैश हो सकता है जिस हिसाब से घट गया है। लेकिन मशीन बुलाई गई है, नोटों की गिनती चल रही है। अब जब पूछताछ आगे बढ़ेगी, जब कड़िया जुड़ेगी, तो ये साफ हो जाएगा कि ये पैसा नौकर के घर पर किसने रखवाया था, किस मकसद से रखवाया था। और इस समय चुनाव भी चल रहे हैं, चुनाव के दौरान कई इस पैसे का कोई इस्तेमाल होना था या नहीं होना था, इन सभी सवालों के जवाब अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा सामने आएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया वरुण आपका और शुक्रिया चंदन आपका, आप दोनों का धन्यवाद। रांची कैश कांड पर बोले हैं इस बीच में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पैसे से चुनाव प्रभावित करने की कोशिश है। अर्जुन मुंडा का बयान, मंत्री से जुड़े लोगों के पास कैश मिला, जांच एजेंसी जांच कर रही है, ये उनका बयान है। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, रांची में कैश कांड पर बोले, कह रहे जांच एजेंसियां जांच में जुटी हैं, मंत्री से जुड़े लोगों के पास से कैश मिला है और इस पैसे से चुनाव को प्रभावित करने के प्रयास किए गए हैं। ये केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का इस रेड के बाद इस रेड पर बयान है। बड़ी अपडेट, रांची में कैश कांड पर ये बातें कही हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने। वो साफ कह रहे हैं कि इस पैसे से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास था। जो कैश मिला है उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। वो कह रहे हैं मंत्री से जुड़े लोगों के पास से कैश मिला और जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो रेड चल रही है इसी पर बयान दिया है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने। हमारे सहयोगी ने उनसे फोन पर बात की, आपको सुनाते हैं। अर्जुन मुंडा जी इस वक्त मौजूद है, जरा उन्हीं से जानते हैं। सर आपकी प्रतिक्रिया, ये जो ईडी को कैश और वो भी करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से कैश बरामद हुए हैं, ये लोगों को किस तरीके से इस चुनाव के अंदर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि मंत्री और मंत्री के वैसे स्टाफ के पास में करोड़ों करोड़ रुपये पकड़े जाते हैं। तो ये घोटाला का, जब हम घोटाले की बात करते हैं तो लोग अपने तरीके से कई तरह की बातों को कह करके कोशिश करते हैं ढकने का, लेकिन ये तो उजागर हो रहा है। अच्छा, ये इतना कैश मिल गया अर्जुन मुंडा जी, अब तो विपक्ष की तरफ से ये भी नहीं कहा जा सकेगा कि साहब ये बदले की राजनीति है, जो ईडी जो है वो केंद्र की कठपुतली वाली एजेंसी बनकर हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये तो सामने है, मतलब ये लोगों की नजर के सामने है करोड़ों का कैश जो मिल रहा है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये करोड़ों रुपया इस तरीके से पकड़े जाने के बाद भी यदि ये आरोप लगाए कि एजेंसियां हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है, तंग कर रही है, तो यह तो पूरा नगद उसके सामने आईने की तरह दिख रही है। लेकिन क्या इससे किसी पार्टी का लिंक हो रहा है या ये एक इंडिविजुअल है, मतलब मंत्री के पीएस और पीएस के नौकर के यहाँ से ये कैश बरामद हुआ है? देखिए ये समय तो मैं कुछ इस तरह की टिप्पणी नहीं करूंगा, जांच एजेंसी जरूर जांच कर रही है। हाँ जी, झारखंड की राजधानी है रांची और रांची में ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। रांची में कई जगह ईडी की रेड अभी भी चल रही है, इस रेड में बड़ी तादाद में कैश बरामद हुआ है, कैश की गिनती अभी भी जारी है। 30 करोड़ रुपए अभी तक गिने जा चुके हैं, अभी भी गिनती जारी है। ईडी के मुताबिक ये कैश झारखंड के जो मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं आलमगीर, उनके पीएस के नौकर के घर से बरामद किया गया है। तो मंत्री के पीएस के नौकर के घर से अभी तक करीब 30 करोड़ कैश बरामद किया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी कैश लोग की तस्वीरें हैं, पर्दाफाश झारखंड में हुआ है। इतना कैश मिला जिसकी अभी तक गिनती पूरी नहीं हो पाई है। नोटों के बंडल है, 500-500 के नोट, उसी के ये बंडल नजर आ रहे हैं। नोटों का ये पहाड़ मिलने के बाद सवाल बड़ा है, आखिर करोड़ों का ये कैश किसका है, क्या इसका चुनाव से कोई कनेक्शन है? इसको लेकर सियासत गर्म है, वार पलटवार बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रहा है। इस सबसे झारखंड के मंत्री आलमगीर का क्या कोई सीधा कनेक्शन है, यही वो सवाल जो इस वक्त सियासी तौर पर बड़ा बनता जा रहा है। ईडी अपनी जांच कर रही है, इस सबके बीच ये कैश कांड और इसकी ये तस्वीरें, सियासी माहौल गर्मा रही है। झारखंड में कैबिनेट मंत्री आलमगीर के पीएस संजीव लाल, उन्हीं के नौकर के यहां से सिर्फ कैश ही बरामद नहीं हुआ है बल्कि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े कई कागजात भी बरामद हुए हैं। रेड के दौरान ईडी को दस्तावेज भी मिले हैं।
ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े कई कागजात ईडी को मिले हैं और साथ ही ये नकद करोड़ों का कैश जो ईडी ने बरामद किया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं वरुण से, ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, किस तरीके से ये कैश कांड और इसके अलग अलग पहलू सामने निकल कर आ रहे हैं वरुण? देखिए बिल्कुल, ईडी ने जो जब जांच आगे बढ़ाई थी टेंडर कमीशन घोटाले को लेकर अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें आगे बढ़ाई थी। इससे पहले चीफ इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई थी वीरेंद्र राम की, उनसे 2023 में उनसे पूछताछ की थी, उसके बाद होमवर्क किया और उसके बाद तब ये आज छापेमारी की गई। 30 करोड़ रुपए के आसपास तक ये कैश हो सकता है, हालांकि नोटों की गिनती जारी है। लेकिन रुमाना साथ ही देखिए वहाँ पर और भी किस तरीके के संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। ईडी के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है, कई कागजात बरामद हुए हैं जिसमें अधिकारियों की डिटेल्स है कि कौन सा अधिकारी कहां पर है और उसकी जो ट्रांसफर है वो कहां पर करानी है। यानी कि सिर्फ ये टेंडर कमीशन घोटाले तक मामला नहीं जुड़ा हो सकता, इसके तार आगे ट्रांसफर पोस्टिंग और उससे मिलने वाली जो काली कमाई है वहां तक भी जा सकता है। तो अभी जांच आगे बढ़ रही है, फिलहाल ये पैसा किसका है, क्या टेंडर कमीशन घोटाले का ही पैसा है, किसने यहाँ पर पैसा रखा, क्या चुनाव से कहीं इसका किसी तरह का कोई कनेक्शन है या नहीं, और जिस तरीके से मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर से मिले तो इसके तार क्या मंत्री जी तक जुड़ते हैं या नहीं, ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन खेल सिर्फ टेंडर कमीशन देखिए अभी तक ईडी की जांच में, हालांकि मंत्री जी से फिलहाल कोई सीधा कनेक्शन इसका नजर नहीं आ रहा है अभी तक, लेकिन सियासत जो है वो इसी को लेकर गर्म जरूर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी सीधे कटघरे में कांग्रेस को खड़ा कर रही है। चुनावी मौसम में झारखंड में करोड़ों के कैश का मामला सियासी तौर पर तूल पकड़ रहा है, बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। ये सब लुटेरे हैं, ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं, और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही ना। कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी के सत्ताधारी दलों के द्वारा जिस प्रकार से झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया जा रहा है, फिर से आज काले धन का बरामद होना, 25 करोड़ से ऊपर राशि नगद प्राप्त होना, जिसका संबंध अवैध कमाई से है और वो कमाई सत्ताधारी दल के मंत्रियों की है, ये हम सब लोगों को मर्माहत करने वाली है। झारखंड की जनता आज अपमानित महसूस कर रही है। तो ये सियासी बोल आप सुन रहे हैं, बीजेपी आक्रामक अंदाज में सामने आकर कांग्रेस की घेराबंदी कर रही है, और ऐसे में वो सवाल जिस पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, इलेक्शन के दौरान ये कैश कांड किसके गले की फांस? प्रदीप जी, जाहिर सी बात है बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, और ईडी का ये एक्शन जिसे आप ये कहकर भी दरकिनार नहीं कर सकते कि साहब ये बदले की राजनीति है, क्योंकि वो नोटों के बंडल तो सबके सामने है ना। आप देखिए, देश में जहां भी माइनिंग का काम होता है, आप झारखंड देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, उड़ीसा के कुछ इलाके, कर्नाटक के इलाके, आपको इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि वहाँ जो है माइनिंग जितनी होती है उसको कम दिखाने के लिए जो स्मगलिंग होती है उससे कैश जनरेट होता है, और वो कैश जनरेट जाहिर है कि जो लोग प्रभावशाली हैं, सत्ता में हैं, उनके जरिए होगा। जिसकी भी सत्ता होगी, जिस पार्टी की सरकार होगी, उसके लोग इन्वॉल्व होंगे, और ये तो मतलब नौकर का चाकर का पेशकार जिसको कहते हैं, जो वो स्थिति है। तो अब जो है आलमगीर आलम तो उससे नहीं बच सकते, लेकिन सवाल ये है कि और किसका किसका पैसा हो सकता है? ऐसे मामलों में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, एक गुट होता है, गैंग कह लीजिए उसको आप, ये सिंडिकेट कह लीजिए, हाँ, तो उसमें शामिल बहुत से लोग होते हैं, और लोग कौन हैं ये तो जांच में पता चलेगा जब उससे पूछताछ होगी किसका पैसा है। उस नौकर का पैसा तो नहीं होगा, ये तो पक्की बात है जी। किसी ने रखवाया होगा, किसने रखवाया है, और जिसने रखवाया उसके पास पैसा कहाँ से आया? ठीक है, ये सवाल जो है। विजय जी, जो बात प्रदीप जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इससे आगे चलना चाहता हूँ कि किस किस का पैसा होगा, कहाँ कहाँ होगा, वो तो अलग मुद्दा है। सवाल ये, जिनका पैसा यहाँ पर है उनका पैसा कहाँ कहाँ और है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जरूरी नहीं है कि जो एक जगह पर मिल गए हैं 30 करोड़ रुपए वही होंगे, हो सकता है और भी बहुत सारे नौकर चाकर रिश्तेदार मित्र होंगे जहां पर ये पैसा लगा। ये असली दरअसल बात है पॉलिटिकल करप्शन की जी।
कि जो लोग पावर में हैं, जो पॉलिटिकल पावर में हैं, जो सरकार में हैं, वो किस तरह का पॉलिटिकल करप्शन कर रहे हैं। जैसे इसमें अरुण ने भी जिक्र किया कि वहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी पैसा वहाँ पर आ रहा है, तो हर तरह का माइनिंग तो सबसे बड़ा एक ऐसा सोर्स है जहाँ पर पैसा बड़ा तादाद में आता है, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मतलब ही सीधा सीधा सा है कि आप सरकार में हैं वो कर रहे हैं, और वो कि आज आलमगीर की बात हो, कांग्रेस की बात हो, कल किसी और की बात हो, लेकिन ये एक पॉलिटिकल करप्शन सिस्टम में है, सिंडिकेट में है, जिसमें बहुत सारे लोग लगे हैं जो सरकारों के साथ इसी मिलीभगत के साथ काम करते हैं, तो उस पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये चुनावी माहौल में जिस तरीके से ये नोटों के मंडल बरामद हुए हैं, तो ये तो सीधे सीधे अब कांग्रेस के गले की फांस बन रहा है। देखिए, जो प्रदीप जी ने कहा या विजय जी कह रहे हैं, मैं भी वही बात लगभग आगे बढ़ाऊंगा कि ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये जितने माइनिंग स्टेट हैं, एक तो माइनिंग और एक शराब का कारोबार, इनमें कैश का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। और आज छापा आलमगीर के यहाँ पड़ा है, जिनके यहाँ मिल गया, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके यहाँ छापा शायद ना पड़े, पीएस के नौकर के यहाँ छापा, हम आलमगीर से जुड़ा हुआ मतलब मामला है, जुड़ तो रहा ही था उनसे, आलमगीर के पीए के नौकर के यहाँ, नौकर के चाकर, चाकर के पेशकार, ये हम लोगों की कहावत कही जाती थी, तो उनके यहाँ पड़ा इसमें पैसे रुपये, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग दलों से भी जुड़े होंगे, उनके यहाँ भी हो सकता है, उनके लोगों के यहाँ भी पैसे हों, अब उनके यहाँ छापा पड़ेगा, निकलेगा कि नहीं पड़ेगा, ये इस तरह। लेकिन ये राजनीतिक करप्शन का मुद्दा, अभी कुछ दिनों पहले आप याद होगा झारखंड में एक सांसद थे, वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उनके यहाँ भी बहुत पैसे, करोड़ों शराब के कारोबारी थे। हालांकि और दिलचस्प बात देखिए उनके यहाँ छापा पड़ा, छापा पड़ने के बाद जो है उन्होंने काम हिसाब दूंगा और वो हिसाब दे दिया, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। उत्तर प्रदेश में एक छापा पड़ा था जब उत्तर प्रदेश चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, इत्र नगरी में, और वो बाद में सारा पैसा वो जो है इनकम टैक्स ने कहा कि ये गड़बड़ हो गया था, वो पेनाल्टी लगा के छोड़ दिया। तो ये राजनीतिक रूप से इस समय चूंकि चुनावी मुद्दा बनेगा, पैसा बरामद होता है उसका आप अगर हिसाब नहीं दे पाते कि हमारे नोन सोर्सेज से है, तो उस पर आपको पेनल्टी लगती है। पेनल्टी अगर आप पे करें वो 100% से ज़्यादा होती है, उसका उस पर जो है जो वो इंटरेस्ट लगता है, वो अगर आप दे दें सजा तो से बच जाते हैं, तो सजा से बच जाते हैं। ठीक, ये पॉलिटिकल करप्शन और बिजनेसमैन के पास पैसा मिलने में फर्क है, फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन जो पैसा मिला है कांग्रेस के नेता से, आज सुबह बात उनकी तरफ से एक आ गया, बिजनेसमैन का पैसा मिला था वो भी पॉलिटिकली जोड़ा जा रहा था, सामने नहीं आ रहा है, लेकिन चुनावी तौर पर इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। देखिए, जिस पार्टी के नेता के पास पैसा मिलेगा, नुकसान तो उसी को होगा, उसी की बदनामी होगी, पार्टी को उसकी बदनामी झेलनी पड़ेगी, ये सही है। लेकिन मैं अपने सब साथियों की बातों से 100% सहमत होने के बाद एक और, ये जो भी धन जनरेट हुआ है, ये नोटबंदी के बाद हुआ है जनरेट काला धन, ये नोट तो वही है जो नोटबंदी के बाद छपा था, ये नए 500 ये 8, हाँ ये पिछले 8 साल में जनरेट हुआ काला धन है। जो शराब व्यापारी के यहाँ मिला था वो भी पिछले 8 साल में जनरेट हुआ काला धन है। इत्र वाले के यहाँ मिला था वो भी 8 साल में जनरेट हुआ काला धन है। मैं ही कह रहा हूँ कि नोटबंदी ने, हो सकता है कि उस वक्त तक का जो काला धन हो उसको सफेद में बदलने में भूमिका निभाई हो, लेकिन राजनीतिक भ्रष्टाचार का सिलसिला रुका नहीं, वो लगातार जारी है, आगे भी जारी रहेगा जब तक इससे संबंधित कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म, पार्टीगत सुधार कोई नहीं होंगे, तब तक इसी तरीके से राजनीतिक भ्रष्टाचार हम लोगों के सामने आता रहेगा, और उसमें सारी पार्टियां भागीदार हैं इसके अंदर, किसी के ऊपर छापा पड़ गया है, किसी के ऊपर छापा पड़ने का इंतजार कर रहा है। तो काला धन पे वार वाला जो नारा है वो खोखला साबित होता है, इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती है, और ये सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार जो है इसके अंत के लिए वाकई में कोई गंभीर कदम उठाए जाने चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल सामने खड़ा है। झारखंड जहां से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है और जिन मंत्री के पीए के नौकर के यहां से बरामद हुआ है, उन्हीं मंत्री आलमगीर का बयान सामने आ गया, ईडी की जांच तक टिप्पणी करना उचित नहीं है, ये कहना है आलमगीर आलम का। अनुभवी पीएस हैं, वो दो दो मंत्रियों के पीएस रह चुके हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं अपने इस बयान के जरिए सीधे तौर पर कुछ ना कहते हुए कहीं ना कहीं पीएस पहले भी दो दो मंत्रियों के पीएस रह चुके हैं, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश यहां पर मंत्री जी के इस बयान से समझी जा सकती है। सुनिए, हम लोग भी जब भी पीएसयूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं, इसके पहले भी दो दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, अब हम लाए हैं सरकारी मुलाजिम है, टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं, अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए, मेरा पीएस है विभाग के, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है, और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देख कर ही रखते हैं,
इसके पहले भी एक जगह नहीं दो जो दो दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। देखिए सत्ता प्रक्रिया है उस पर किसके बारे में हम कुछ बताएं, ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन तब उस पर हम बात करेंगे। तो मंत्री आलमगीर आलम को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि पीएस देखिए अनुभवी हैं, पहले भी दो दो मंत्रियों के पीएस रह चुके हैं, ऐसे में ईडी की जांच चल रही है, तस्वीर साफ हो जाएगी। झारखंड की राजधानी रांची में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला, 6 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है और रेड में भारी मात्रा में कैश बरामद होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की ये कार्यवाही निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के ठिकानों पर की जा रही है। झारखंड के एक मंत्री के सचिव के घरेलू नौकर के घर कैश बरामद की खबर है। नोटों का ये बंडल आप देख सकते हैं, ईडी की रेड पड़ी हुई है। झारखंड में ईडी की एक बार फिर से रेड, बड़ी मात्रा में कैश मिला है, 500 के नोटों की गड्डियां बरामद की गई हैं। आप ये बंडल देख सकते हैं नोटों का, मंत्री के निजी सचिव के घरेलू नौकर के यहां पर गड्डियां 500 की बरामद की गई हैं। जैसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी की कार्यवाही अब किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के यहां पर जानकारी मिल रही है कि छापेमारी हुई, वीरेंद्र राम के करीबियों के ठिकाने पर अब छापा चल रहा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि उनके कई ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त ईडी की चल रही है। दूसरी तरफ 6 से ज्यादा जगहों पर जानकारी मिल रही है कि छापेमारी इस वक्त जारी है। नोटों का बंडल आप देख सकते हैं, ईडी की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। नोटों का ये बंडल किसका है, कहां से आया, किस तरीके से इसका इस्तेमाल होना था, ये तमाम जानकारी अब ईडी की तरफ से जुटाई जा रही है। बड़ी मात्रा में कैश मिलने के बाद सियासत भी शुरू हो चुकी है। झारखंड में एक बार फिर से ईडी की छापेमारी, मंत्री के निजी सचिव के नौकर के पास इतना पैसा कहां से आया, क्या ये नोटों का खेल होने वाला था, ये तमाम सवाल जिसका जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है ईडी। नोटों के बंडल को लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए एक निजी सचिव के घरेलू नौकर के घर से इतना कैश बरामद हुआ है, तो सवाल बनता है कि आखिर कैसे इसका इस्तेमाल होना था, कहां से इतना पैसा आया। नोटों का ये जो बंडल है वो किसका है, 500 की गड्डियां ये बताई जा रही हैं। वरुण जैन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वरुण, लगातार एक्शन ईडी का चल रहा है, गड्डियां नोटों का बंडल हम दिखा रहे हैं, कैसे इसका इस्तेमाल होना था, किसके पैसे हैं, क्या कुछ अब तक अपडेट इन तमाम चीजों को लेकर? देखिए बिल्कुल तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है, जो अमाउंट है करोड़ों में है, एग्जैक्ट कितना अमाउंट है वो अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो नोटों की गिनती है तो उसको करने का सिलसिला चल रहा है, जो कि अभी जिस हिसाब से कैश नजर आ रहा है वो उसको गिनने में भी लंबा समय लग सकता है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चलती है। टेंडर कमीशन घोटाले में ये पूरी कार्रवाई हुई है। 2023 में जो चीफ इंजीनियर है वीरेंद्र राम, उनको गिरफ्तार किया था, उनकी करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी पहले ही ईडी ने जब्त की थी और उसी में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जब आज जो झारखंड के मंत्री आलमगीर उनके निजी सचिव है सचिवलाल, उनके घर पर भी छापेमारी की, उनके जो डोमेस्टिक हेल्प है, उनके जो नौकर है के घरों पर भी छापेमारी करी, तब ये भारी मात्रा में कैश है बरामद हुआ है। कैश किसका है, कहां से आया, कब आया, और सबसे बड़ी बात टाइमिंग भी, जो चुनाव के समय में ये इतना भारी कैश बरामद हुआ है तो किस मकसद से इस कैश का इस्तेमाल होना था, ऐसी कई चीजें जो कि अभी आगे जब जांच और पड़ताल आगे बढ़ेगी तब साफ हो पाएगा। लेकिन नोटों की गिनती का सिलसिला चल रहा है और अभी जो बरामदगी है छापेमारी चल रही है, 6 ठिकाने जहां पर छापेमारी हो रही है, सेल सिटी समेत 6 से ज्यादा जगहों पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। दूसरी तरफ नोटों का बंडल, सवाल ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में कैश कहां से घरेलू नौकर के पास आया, मंत्री के सचिव के घरेलू नौकर के पास से ये नोटों का बंडल बरामद किया गया है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 20 से 30 करोड़ रुपए के बीच ये नोटों का बंडल हो सकता है। नोट गिनने वाली मशीनें वहां पर पहुंच चुकी है। ईडी की तरफ से कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए देखिए छापेमारी चल रही है।
जो करीबी लोग हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है। मंत्री के निजी सचिव संजीव लाल के यहां पर भी जानकारी है कि वहां पर छापेमारी शुरू हो चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का ये बड़ा एक्शन, क्योंकि चुनावी मौसम है, चुनावों का दौर है, और ऐसे में जब इतना पैसा बरामद किया गया है तो कैसे इसका इस्तेमाल होना था, किनका इसमें हाथ है, कौन कौन लोग शामिल हैं, ये तमाम चीजें अब ईडी जानकारी जुटा रही है। बड़ी मात्रा में कैश मिलने के बाद सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीच चुनाव में कैश लोग के बड़े खुलासे, आपको मैं तस्वीरें दिखाने जा रही हूं। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें उसी कैश लोग की है जिसका पर्दाफाश झारखंड में हुआ है। इतना कैश मिला है जिसकी अब तक गिनती नहीं हो पाई। दिखाते हैं आपको नोटों के ये बंडल, देखिए जरा और से देखिए, नोटों के बंडल हैं, सभी 500-500 रुपए के नोटों के ये बंडल, और नोटों का ये जो पहाड़ है, ये मिलने के बाद अब सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर करोड़ों का ये कैश है किसका, क्या इसका चुनाव से कोई कनेक्शन है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर जांच चल रही है, लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है वो ये है कि नोटों का ये पहाड़ झारखंड में बरामद हुआ है। झारखंड की राजधानी रांची में ईडी का ये बड़ा एक्शन, रांची में कई जगह ईडी की रेड, और इस रेड में ये भारी संख्या में जो कैश बरामद हुआ है उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब तक 20 करोड़ की तो गिनती हो चुकी है, अभी भी कैश की गिनती जारी। ईडी के मुताबिक ये कैश झारखंड के एक मंत्री हैं आलमगीर, उनके पीएस के नौकर के घर से बरामद किया गया है। तो मंत्री के पीएस के नौकर के घर से ये करोड़ों का कैश जो बरामद हुआ है, अभी तक 20 करोड़ की गिनती हो चुकी है, अभी भी गिनती जारी है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, दिल्ली से वरुण जैन और रांची से चंदन सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो रांची लेकर चलेंगे चंदन सिन्हा के पास, और जानते हैं चंदन से अभी का अपडेट क्या है, पूरी खबर बताइए विस्तार से चंदन। जी रोमाना, देखें सुबह करीब 5 बजे के आसपास ईडी की टीम रांची के करीब 9 ठिकानों पर छापेमारी की है, और बात करें संजीव लाल की, जो कि मंत्री आलमगीर आलम के पीएस बताए जा रहे हैं। फिलहाल हम जो संजीव लाल हैं उनके घर के बाहर खड़े हैं। आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं ये जो मकान दिख रहा है ये संजीव लाल का है, जो कि आलमगीर आलम के पीएस बताए जाते हैं। साथ ही साथ उनके एक नौकर हैं जिनके घर में भी छापेमारी की गई है। देखिए इस वक्त हमारे साथ निशिकांत दुबे जी मौजूद हैं, बीजेपी के सांसद, एक बार फिर से पार्टी ने कोटा से उम्मीदवार बनाया है। जल्दी से निशिकांत जी के पास लेकर चलते हैं आपको, और उनसे जानते हैं सर ये क्या हो रहा है, ये झारखंड में इतना कैश लोग कहां से आ गए, इतना कैश। मुख्यमंत्री जो है जेल चला गया है भ्रष्टाचार के कारण, लोकपाल की केस चल रही है, 1500 करोड़ की बेनामी संपत्ति है, जैना इनकम टैक्स में बताया है, आयोग को बताया है, और ये सिंडिकेट क्राइम है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना पैसा कमाएगी, कांग्रेस के लोग अपने पैसा कमाएंगे, ये विधायक दल का नेता है। अभी वीरेंद्र राम चीफ इंजीनियर के यहाँ 7-8 महीने पहले रेड हुई थी जेल में, उसके यहाँ 150 करोड़ रुपया पकड़ा था, उसी टाइम में ये पकड़ाया कि आलमगीर आलम और हेमंत सोरेन को कितने पैसे जाए, तो ईडी ने इतने दिनों के बाद कार्रवाई किया, इधर उठा है नौकर के यहाँ इतना पैसा पकड़ा। निशिकांत जी आवाज 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 साफ नहीं आ रही है, थोड़ा सा जहां पर कनेक्शन है उस तरफ बढ़िए सर। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो पैसा मिला है आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से, आप कह रहे हैं कांग्रेस का पैसा है? नहीं सर, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है निशिकांत जी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है सर, दोबारा कनेक्शन करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए ईडी की काउंटिंग अभी जारी है, और निशिकांत दुबे की तरफ से साफ तौर पर सवाल जो है वो सिंडिकेट क्राइम को लेकर उठाया जा रहा है, ये कहते हुए कि साहब ये कहीं ना कहीं पूरी जो झारखंड में सरकार चल रही है उसी की मिली भगत। ये ईडी को 30 करोड़ का कैश मिला है, निशिकांत दुबे को आपने सुना, और आलमगीर आलम कांग्रेस के नेता हैं, झारखंड सरकार में मंत्री है, उनके पीएस के नौकर के घर से ये पैसा बरामद हुआ है। इस बीच आपको दिखा देते हैं ईडी के छापे पर, निशिकांत दुबे ने आपसे कुछ देर पहले जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, 30 करोड़ रुपए से अधिक और काउंटिंग जारी।
आज ईडी की कार्रवाई में कांग्रेस विधायक दल के नेता, झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार शिरोमणि, हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। संजीव लाल के आवास पर ईडी को मिला 30 करोड़ से अधिक कैश। प्रदीप यादव के पार्टी की कहानी, 30 करोड़ रुपए से अधिक और काउंटिंग जारी। हमारे साथ बीजेपी के एक और बड़े नेता अर्जुन मुंडा जी इस वक्त मौजूद हैं, जरा उन्हीं से जानते हैं। सर, आपकी प्रतिक्रिया, ये जो ईडी को कैश और वो भी करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से कैश बरामद हुए हैं, ये लोगों को किस तरीके से इस चुनाव के अंदर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि मंत्री और मंत्री के वैसे स्टाफ के पास में करोड़ों करोड़ रुपये पकड़े जाते हैं। तो ये घोटाला का, जब हम घोटाले की बात करते हैं तो लोग अपने तरीके से कई तरह की बातों को कह करके कोशिश करते हैं ढकने का, लेकिन ये तो उजागर हो रहा है। अच्छा, ये इतना कैश मिल गया अर्जुन मुंडा जी, अब तो विपक्ष की तरफ से ये भी नहीं कहा जा सकेगा कि साहब ये बदले की राजनीति है, जो ईडी जो है वो केंद्र की कठपुतली वाली एजेंसी बनकर हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये तो सामने है, मतलब ये लोगों की नजर के सामने है करोड़ों का कैश जो मिल रहा है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये करोड़ों रुपया इस तरीके से पकड़े जाने के बाद भी यदि ये आरोप लगाए कि एजेंसियां हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है, तंग कर रही है, तो यह तो पूरा नगद उसके सामने आईने की तरह दिख रही है। लेकिन क्या इससे किसी पार्टी का लिंक हो रहा है या ये एक इंडिविजुअल है, मतलब मंत्री के पीएस और पीएस के नौकर के यहाँ से ये कैश बरामद हुआ है? देखिए, ये समय तो मैं कुछ इस तरह की टिप्पणी नहीं करूंगा, जांच एजेंसी जरूर जांच कर रही है। हाँ जी, और कहीं ना कहीं इस बात का ज्यादा। अच्छा, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। और इस बीच हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी भी मौजूद हैं। राजेश ठाकुर जी, यहाँ पर सवाल बड़ा हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता आलमगीर आलम, उनके पीएस के नौकर के यहाँ से ये करोड़ों का कैश, और बीजेपी के नेताओं से हम बात कर रहे हैं तो वो तो लगातार फिर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना। सर, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का क्या बयान आता है, लेकिन मेरी एक आपसे गुजारिश होगी कि बगैर जाने बगैर समझे ईडी ने कोई बयान दिया है क्या? ईडी ने अब तक कोई बयान दिया है? जी नहीं सर, कोई बयान नहीं दिया ईडी ने, लेकिन जो खबर है वो बस यही कि करोड़ों के नोटों के बंडल सामने है सर, और आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल, उनके नौकर के यहाँ से ये करोड़ों की बरामदगी हुई है, ये खबर है सर। एक बात बताइए कि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष इस बात की जवाबदेही है क्या कि उसके पीएस के नौकर के यहाँ छापे हो? तो मैं आपको उसके संदर्भ में बताऊं, आप बताएं, वो सरकारी आदमी है जी, सरकार क्या क्या मामले हैं, सारी बातों को समझना होगा जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना बड़ा मीडिया ट्रायल हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है। जब तक कोई बात नहीं सामने आ जाती है तब तक इस तरह के सवाल होने भी नहीं चाहिए। नहीं, नहीं सर, यहाँ कोई मीडिया ट्रायल नहीं, राजेश ठाकुर जी देखिए, मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है, ये खबर सामने आई है, हम तो आपका पक्ष जानना चाह रहे हैं, इस पे मीडिया ट्रायल क्या सर? मैं कोई आपको कटघरे में थोड़ी खड़ा कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि अब चुनावी माहौल है और इस पर राजनीति जमकर होगी, तो आपको मौका दे रही हूँ सर मैं, आप अपनी बात रखिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए कि जिसके यहाँ छापे गए हैं वो पहले किसके यहाँ पीएस थे। अच्छा, उससे पहले किसके यहाँ पीएस थे आप पूछिए ना एक बार, आप बता दीजिए ना सर, आप बताइए ना सर, आप संजीव लाल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं किस आधार पर, बता दीजिए। नहीं, सीपी सिंह के सीपी, नहीं देखिए, मैं किसी को कटघरे नहीं खड़ा कर रहा हूँ, ये आप लोग कर रहे हैं, आप ही ने तो कहा सर, आप कह रहे हैं वो पीएस पहले किसके यहाँ पीएस थे, पहले किसके यहाँ पीएस थे, तो मतलब आप संजीव लाल पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आपके सूचना पे कह रहा हूँ, आप दे रहे सूचना, मैं कोई संजीव लाल के घर नहीं गया, संजीव लाल ने मुझे फोन नहीं किया, बाकी लोगों ने नहीं, क्योंकि मीडिया के साथ ही फोन कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह की बात है और वो सारी बात आप जानकारी ले रहे हैं तो ये पूछिए ना कि वो सीपीसी के पीएस भी थे क्या, बिमला प्रधान के पीएस भी थे क्या, ये लोग भाजपा के मंत्री नहीं थे क्या,
इस तरह के सवाल आप करेंगे तो लगेगा कि हाँ एक निष्पक्ष पर पत्रकारिता हो रही पर है। सर अभी जब ये सारी बरामदगी हो रही है तो ये फैक्ट है सर, और हकीकत ये है कि वो संजीव लाल जो है वो आलमगीर आलम के पीएस हैं, और उन्हीं संजीव लाल के नौकर के यहाँ से सर ये करोड़ों की बरामदगी हो रही है, और ये चुनावी माहौल है सर। ऐसे में अब कांग्रेस यहाँ पर बैकफुट पर तो आती हुई नजर आ रही है सर, जिस तरीके से बीजेपी तो हमलावर हो गई आप लोगों पर। अगर किसी क्यों बैकफुट पर किसी बीएस के नौकर के यहाँ मिलेगा और उसके लिए आप अगर हमें बैकफुट पे बता रही हैं तो भाई इस देश का भगवान ही मालिक है। आप फिर बताइए कि उसके पीएस के नौकर कौन है, मैं जानता तक नहीं। आप लोग सवाल मतलब आप ये कह रहे हैं इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल 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 क्यों लेना देना रहेगा, जब तक कोई बातें सामने आती नहीं तब तक आप इस बात को एस्टेब्लिश मत कीजिए। ठीक है ठीक है, आपका पक्ष जानना था सर, बहुत शुक्रिया। राजेश ठाकुर जी को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं साहब कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, जब तक तस्वीर साफ नहीं होती है तब तक सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को इस कैश बरामदगी को लेकर कटघरे में खड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। राजेश ठाकुर जी को आपने सुना, मैं सीधे अब आपको अपने सहयोगियों के पास लेकर चलती हूँ। रांची से चंदन सिन्हा, दिल्ली से वरुण जैन। चंदन जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, अपडेट आप दे रहे थे। चंदन जी देखें आप जो पीएस हैं उनके बताया ये भी इनके घर से भी रकम बरामद की गई है, मगर कितनी रकम बरामद की गई है अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि जो इनके नौकर हैं उनके घर से 25 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की गई है, और अभी फिलहाल जो है काउंटिंग जो है वो जारी। चलिए आवाज साफ नहीं आ रही है चंदन, दोबारा आऊंगी आपके पास, लेकिन अभी तक जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है कि नौकर के घर से अभी तक 25 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हो गई है, कुछ रकम जो है वो बताया जा रहा है पीएस संजीव लाल के घर से भी बरामद हुई है। जल्दी से वरुण जैन का रुख करते हैं, हमारे साथ मौजूद है, और जरा जानते हैं वरुण से कि ईडी का ये एक्शन इसका आधार क्या बना। वरुण देखिए बिल्कुल रुमाना, 2023 में जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर चीफ इंजीनियर है वीरेंद्र राम, उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था, करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति जो थी उसे अटैच किया था। पूछताछ में वीरेंद्र राम ने इस बात को कबूल किया था कि जो टेंडर्स अलॉट होते हैं उसका 0.3 से लेकर 1% तक जो कमीशन है वो लेते हैं। और वीरेंद्र राम तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कैसे पहुंची थी, वीरेंद्र राम ने दिल्ली के एक बड़े सीए से कांटेक्ट किया था और करोड़ों रुपए को किसी तरीके से ठिकाने लगाने की उनसे बात कही थी, उसी के बाद ही वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई थी। 0.3 से 1% तक कमीशन लेते हैं, करोड़ों रुपए के जो टेंडर थे पिछले साल से लेकर अब तक अलॉट हो चुके हैं। ऐसे में ईडी को इस बात का अंदेशा है कि करोड़ों रुपए की जो ये रिश्वत है 1% कमीशन के हिसाब से वो वीरेंद्र राम तक पहुंची, और सिर्फ वीरेंद्र राम चीफ इंजीनियर तक पैसा नहीं जाएगा, अगर पैसा जाएगा तो आगे और मंत्रालय तक और जो बड़े अधिकारियों तक है वो आगे जा सकता है, और उसी की पड़ताल इतने समय से ईडी कर रही थी, उसके बाद अब ये स्पेसिफिक क्लू मिला जिसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा का जो फ्लो है वो ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर हर तरफ बहता है, और ऐसे में सिर्फ एक व्यक्ति तक तो ये सीमित नहीं हो सकता है। और इसी मामले में ईडी का ये बड़ा एक्शन, और आज करोड़ों रुपए जो सामने आ रहे हैं ईडी की छापेमारी